गई। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना को कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर एतमाद में लिया। FATF बिल की मंजूरी से मुतालिक हिकमत अमली पर काबीना को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि काबीना की कानून साज कमेटी के मैंडेट में इजाफा कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सुबह खैबर पख्तूनख्वा में हायर एजुकेशन के फरोग के हवाले से इकदामात पर जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म को सुबह खैबर पख्तूनख्वा में हायर एजुकेशन के फरोग के रोड मैप पर अमल दरामद के हवाले से किए गए इकदामात और मुस्तकबिल के लाए अमल पर मुफसल ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मयारी तालीम के मौके फराहम करना मौजूदा हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। वजीर ख्वाजा शाह महमूद कुरैशी का शंघाई तआवुन तंजीम के फोरम में शिरकत के लिए रूस रवानगी से काबिल अहम बयान। उन्होंने कहा कि रूस के वजीर ख्वाजा से कल मुलाकात तय है। रूस से लॉन्ग टर्म तालुकात के इम्कान पैदा हो गए हैं। एनर्जी सेक्टर में रूस से बाहमी तआवुन पर भी बात होगी। उन्होंने कहा कि SCO और फॉरन ड्रग ट्रैफिकिंग अफगानिस्तान में क़याम-ए-अमन के लिए किरदार अदा कर सकता है। तब्दीली सरकार में तब्दीलियों की रवायत बरकरार। 2 साल में पंजाब के 5 इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तब्दील हुए। IG पंजाब शोएब दस्तगीर को अहदे से हटाकर एडिशनल IG जनूबी पंजाब इनाम गनी को तैनात कर दिया गया। इनाम गनी तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद से पंजाब के 6ठे IG हैं। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल अहसन इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि इमरान खान की पॉलिसियां मुल्क को इंतशार की तरफ धकेल रही हैं। हुकूमत मुखालफीन के खिलाफ नैब गद्दी की जा रही है। 2 सालों में पंजाब के 5 IG तब्दील किए गए। इन 5 अफसरान को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने जाती एजेंडे पर काम करने से इनकार कर दिया। इस्लामाबाद से लापता होने वाले सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जॉइंट डायरेक्टर जनरल साजिद गोंदल वापस अपने घर पहुंच गए। साजिद गोंदल 3 सितंबर को इस्लामाबाद से लापता हुए थे। साजिद गोंदल के लापता होने पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी नोटिस ले रखा था, जबकि हाईकोर्ट ने भी 17 सितंबर तक साजिद गोंदल को बाज़ियाबी मुमकिन बनाने की हिदायत जारी की थी। और पाकिस्तान के HT न्यूज चैनल JNN के चेयरमैन राणा जमशेद नूर को कायद-ए-आज़म गोल्ड मेडल अवार्ड 2020 से नवाजा गया। उन्हें ये अवार्ड कोरोना वबा के दौरान चैनल JNN पर मस्बत रिपोर्टिंग करने पर दिया गया। ब्राइट फ्यूचर सोसाइटी पाकिस्तान की जानिब से इस्लामाबाद में कायद-ए-आज़म गोल्ड मेडल अवार्ड 2020 और दिफा पाकिस्तान में अकलियतों का किरदार के नाम से तकरीब का इनेकाद किया गया। अस्सलामुअलैकुम, JNN के साथ मैं हूँ सानिया गुल और मैं हूँ आकाशा यासीन। बुलेटिन का बकायदा आगाज करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। खबर क्या है, क्या खबर?